नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, बढ़ती हूँ आज के विषय पर। हमारे हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ऐसा कोई भी संकट नहीं है जो कि हनुमान चालीसा के पाठ करने से दूर न हो जाए। हनुमान चालीसा के बहुत ही आसान पंक्तियों से हम श्री हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हर मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी हनुमान चालीसा के पाठ से सिद्ध किया जा सकता है। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हर संकट को हरने वाले श्री हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, अपनी मनोकामना को कैसे पूर्ण करें, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि आप लगातार 21 दिन या 41 दिन का संकल्प लेकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को, जैसे 11 मंगलवार 21 मंगलवार या 11 शनिवार 21 शनिवार, जैसा भी आपकी जैसी श्रद्धा हो, जैसी शक्ति हो आपके अंदर, आप उस तरह का संकल्प ले सकते हैं। बस सबसे ज्यादा जरूरी है आपके अंदर अटूट विश्वास और अपार श्रद्धा की। इससे ऐसा कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है कि जो हनुमान जी पूरी ना कर सके। दोस्तों, बात करते हूं नियम की कि इसे आप कैसे करें और किस तरह से श्री हनुमान जी को प्रसन्न करें, आइए जानते हैं। यदि आप 21 या 41 दिन लगातार पाठ करना चाहते हैं तो आप इसे मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, मंदिर की अपनी सफाई कीजिए, सफाई का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। फिर अपना मुख पूर्व दिशा में करके लाल आसन बिछाकर आप बैठ जाइए। श्री हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो सामने रख लीजिए, उन्हें सिंदूर से तिलक कीजिए, सामने जल का पात्र और घी का दिया जरूर जला लें। फिर हाथ में फूल अक्षत लेकर मन में अपना संकल्प कहें, जो कि आप जैसा करना चाहते हैं 11 दिन 21 दिन या लगातार करना चाहते हैं, या फिर मंगलवार और शनिवार को करना चाहते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो आप उस तरह का संकल्प कहें और फिर श्री हनुमान जी से अपनी मनोकामना को कहें। यह कहकर आप उस फूल और अक्षत को भगवान जी को, हनुमान जी को अर्पित कर दें। फिर आप श्री गणेश भगवान का ध्यान कीजिए। अगर उनकी प्रतिमा सामने है तो ठीक है, नहीं है तो मन में उनका ध्यान करके आप उनसे प्रार्थना करिए और उनकी वंदना कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सब कार्येषु सर्वदा। उसके बाद श्री रामचंद्र भगवान जी का ध्यान कीजिए, माता सीता जी का ध्यान कीजिए। आप सभी को पता ही है कि हनुमान जी की पूजा श्री रामचंद्र जी के ध्यान के बिना, उनकी वंदना के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती, वो उनके स्वामी हैं। तो आप श्री रामचंद्र जी का ध्यान, माता सीता जी का ध्यान करके नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम, उनका ध्यान कीजिए नमन करते हुए। उसके बाद आप पाठ को शुरू कर सकते हैं। भोग में चना गुड़, जो कि उनका सबसे पसंद का सबसे प्रिय भोग है चना और गुड़, आप लगा सकते हैं, या फिर लड्डू का भोग लगा सकते हैं। लड्डू में बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, या फिर केवल बूंदी का भी भोग आप लगा सकते हैं। अब पूरी श्रद्धा के साथ पाठ आरंभ करिए। जैसा कि आपने संकल्प लिया है, नियम पूर्वक इस विधि उसी विधि से उतना पाठ आप करें। पाठ समाप्त होने के बाद आरती करें और भोग लगाएं। भोग को थोड़ी देर मंदिर में रहने दें, फिर अपने परिवार में और स्वयं भी ग्रहण करें। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृषानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते समय जितना कि आपने संकल्प लिया है, स्वच्छता का पहले आप पूरा ध्यान दीजिए, मांस मदिरा से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन में हमेशा शुद्ध विचार रखें, श्री हनुमान जी का, श्री रामचंद्र जी का हमेशा ध्यान करें। घर में यदि सूतक है तो यह संकल्प उस समय न लें।
सूतक का अर्थ है दोस्तों, यदि किसी की मृत्यु हुई हो या फिर घर घर में संतान ने जन्म लिया है, परंतु यदि संकल्प में संकल्प के बीच में ऐसा कुछ हो जाता है, सूतक पड़ जाता है, तो आप सूतक समाप्त होने के बाद फिर वहीं से अपने पाठ को जारी रख सकते हैं। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान पाठ छोड़कर स्वच्छ होने पर फिर अपने पाठ को जारी रख सकती हैं। इस तरह से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चय ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। श्री हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि वो उनके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। दोस्तों ये थी कुछ ये जानकारी हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में, कुछ नियम कि क्या क्या आप नियम अपनाएं, किस तरह से करें, और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने मन में संकल्प लेकर मनोकामना को कहकर यदि आप करते हैं तो निश्चय ही ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो कि अधूरी रह जाए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी आशा करती हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमः शिवाय।